राजधानी दिल्ली में सीलिंग को लेकर राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों के साथ मिलकर गांधीनगर इलाके में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सीलिंग के लिए बीजेपी और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। गांधीनगर में जो सीलिंग हो रही है वो गैर कानूनी हो रही है। हमने जब न्याय युद्ध शुरू किया उसके बाद बीजेपी की नींद जागी। हम इनसे प्रश्न पूछना पड़ते हैं कि आज मनोज तिवारी सील तोड़ने जा रहे हैं, विजय गोयल गांधीनगर में घूम रहे हैं, आम केजरीवाल को ट्वीट करने का समय मिल गया, ये अब से पहले कहां थे? गांधीनगर में जो सीलिंग हो रही है वो गैर कानूनी हो रही है और हमारे न्याय युद्ध का मतलब सील तोड़ना नहीं, सील खुलवाना है। सीलिंग की वजह से बेरोजगार हुए व्यापारियों में आप सरकार और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में कांग्रेस व्यापारियों के गुस्से के बहाने बीजेपी और आपको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और रोजी रोटी के लिए व्यापारी भी खुलकर कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में कैसे कारोबार करना, कैसे बिजनेस करना, कैसे दुकान चलाना, कैसे फैक्ट्री करना, एक ये गुनाह हो। वो आदमी जो हर तरह के टैक्स दे खुद भी रोजगार कर रहा है, अपने साथ साथ और लोगों को भी रोजगार मुहैया कर रहा है, इन सरकारों ने उनको कटघरे में खड़े कर दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाहगार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। सीलिंग के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि सीलिंग से पीड़ित व्यापारियों के लिए सरकार क्या नीति बनाकर व्यापारियों का गुस्सा शांत करती है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।